हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नोगी चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे आरपीएफ एनएसडी कांस्टेबल भर्ती 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था 798 पोस्टों के लिए, और इसमें जो है आपका तीन स्टेप था। पहला था आपका सीबीटी, उसके बाद आपका था टीटी, और यानी कि ट्रेड टेस्ट भी था इसमें, उसके बाद आपका पीटी था। इन तीनों चीज़ें थी सीरियल वाइज। पहले था आपका सीबीटी, उसके बाद आपका हुआ पीटी, उसके बाद हुआ आपका टीटी, और उसके बाद अब आपका होगा फाइनल डीवी या और मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो दोस्तों, इसका जो रिजल्ट कब तक आएगा फाइनल, और कब तक हो सकती है आपकी पोस्टिंग यानी ज्वाइनिंग, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वही आपसे चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं क्या होगी इसका एक्सपेक्टेड डेट इसके रिजल्ट की, क्योंकि ग्रुप ई का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है बाकी ग्रुप्स का कुछ भी रिजल्ट के बारे में कोई भी नोटिस नहीं आई है। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले एक्सपेक्टेड डेट कि कब तक जो है आपको इसका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है, और आपको कब तक इसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पर दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो सरकारी फॉर्म का हो, चाहे कट ऑफ का हो, चाहे रिजल्ट का हो, कोई भी रिलेटेड अगर सरकारी से आता है, तो हम उसकी नोटिफिकेशन की वीडियो जो है आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको यहाँ पर देते हैं स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको करना होता छोटा सा काम, आपको करना होगा स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद आप हमें मैसेज या मेल के थ्रू आप हमसे अपना स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर न करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट जो है लेकर काफ़ी लोगों के अनुमान था कि नवंबर मंथ तक रिजल्ट आपका जो है इसका जारी कर दिया जाएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड थे, काफ़ी लोग जितने भी आर्टिकल्स आते हैं काफ़ी वेबसाइट्स पे, काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्शन किया था, और काफ़ी जो है अधिकारियों से बात किए थे कि कब तक सर इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा बाकी ग्रुप का, क्योंकि ग्रुप ई का जो है सिर्फ रिजल्ट आया है अभी तक, और उसी का ही कट ऑफ आया है, लेकिन उसके बाद यानी ए बी सी डी इन सभी का अभी तक जो है रिजल्ट नहीं जारी किया गया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो काफ़ी लोग हैं मैसेज कर रहे हैं लगातार कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, सर इसका फाइनल कट ऑफ कब तक आएगा, कब तक हमें इसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं कि तो दोस्तों कट ऑफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो नवंबर मंथ में नहीं आ रही, इसकी कट ऑफ आपने आने वाली सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपको जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, और ये आप इंफॉर्मेशन हमें मिली है इन्हीं के हेल्पलाइन नंबर से। हमने इसके अधिकारियों से बात की तो उन्होंने यही जनमान बताया कि दिवाली वेकेशंस के बाद से काफ़ी काम जो स्लो चल रहा था, महाराष्ट्र में इलेक्शंस के सीजन थे जिसकी वजह से काफ़ी जो है खींचातनी चल रही थी, और ये सब सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की चल रही थी कंटिन्यूसली, जिसके वजह से जो है अभी तक जो है अधिकारियों ने इसका जो है रिजल्ट जो है फाइनल अभी तक नहीं बना पाए हैं, और इन चीज़ों को करते करते इनको नवंबर तक एंड तक जो है इसका पूरा तैयारी हो जाएगी, और आपको जो है इसका रिजल्ट मिलेगा सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से आप देख सकेंगे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर, चाहे वो ग्रुप ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, आप सभी का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और आप दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि काफ़ी जो है जैसे ग्रुप सी का जो था इसका जो है टीटी बहुत लेट हुआ और काफ़ी लंबा समय लगा, और लंबा प्रोसेस इसलिए था कि दोस्तों कि लगभग जो है कि 450 स्टूडेंट्स का रोज जो है टीटी होता था यानी ट्रेड टेस्ट होता था, और उसमें दोस्तों पहले वाटर कैरियर का हुआ, फिर सफाई वालों का, फिर बार्बर का हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी जो है लंबा समय लग गया। और अब क्या है, ग्रुप ई का जो था वो सबसे पहले रेडी हो चुका था इसलिए उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, और बाकी ग्रुप में अभी भी कुछ जगह पे जो है बाकी था सेंटर पे, और जिसका अभी जो है हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है, तो इसी वजह से जो है इसका रिजल्ट आने में देरी हो रही, यही इसका एक्सक्यूजेस हमें मिला है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो दोस्तों, यही वीडियो जो था हमने आपके लिए इसलिए बनाया कि आपके क्वेश्चन जो है कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे, आप सभी लोग काफ़ी परेशान थे कि इसका रिजल्ट सर कब तक आएगा। और अब बात करते हैं हम इसकी पोस्टिंग की, तो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर आप लिख लीजिएगा दोस्तों, इसका रिजल्ट आ जाएगा आराम से, अपने इसकी चिंता आप मत कीजिएगा, आराम से आपका इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक। अब बात करते हैं पोस्टिंग की, तो दोस्तों पोस्टिंग की बात करें तो अभी तक अगर इसका सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में अगर इसका रिजल्ट आता है तो इसका डीवी ऑफ सब होते होते जनवरी का मिडल चला जाएगा, यानी कि 15 से 20 जनवरी तक तो सिर्फ आपका सिर्फ मेडिकल और डीवी में ही चला जाएगा। और अगर पोस्टिंग की बात करें तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट के बन तक तो फरवरी का फर्स्ट वीक आ जाएगा, और इसके प्रकार ज्वाइनिंग करते करते आपको फेब के एंड तक या मार्च, जी हाँ दोस्तों फैब एंड तक आप मान के चल सकते हैं, ये जनवरी में वैकेंसी निकली थी, लगभग एक साल के बाद ही इसका जो है पोस्टिंग हो रहा है, मोस्टली रेलवे के सभी जो भी जॉब्स होते हैं उनमें एक साल का समय लग ही जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो आप फैब के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक में, जी हाँ दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग का लेटर आपके घर पर पहुँच जाएगा मेल के थ्रू आपके पास। तो दोस्तों ज्वाइनिंग का भी जो आपका अनुमानित था वो एक्सपेक्टेड डेट यही है कि फरवरी से मार्च के बीच में आपका जो है फाइनल ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही दोस्तों कुछ डाउट्स है, कुछ मन में कुछ पूछना है आप हमसे डायरेक्टली, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको डायरेक्ट वहाँ पर दे देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।